अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लेनेट। तो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप देख रहे तो होंगे मूव, ये आपको भी आप सब दोस्तों को पता होगा, देखते साथ ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो पट्ठे बंद है कि मतलब के पट्ठों का खिंचाव वगैरह और मसल पेन वगैरह जहाँ पर भी दर्द हो, ये फौरी मतलब के रख के फौरी 5 से 10 मिनट में बंदे को एकदम आराम देता है। प्रिपेड रिलीफ, फास्ट रिलीफ, इस पर पहले भी लिखा हुआ है, और पेन से एकदम 150 ml इसमें होता है। ये ऐसे जैसे बॉडी स्प्रे या और ऐसे कहीं स्प्रे वगैरह हैं, योनि की तरह ये आप देख रहे होंगे ऊपर से, अभी भी ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप दोस्तों को दिखाने का मतलब क्या है, इसको मतलब ये हुआ ना कि कबूतर को आज के दौर में फास्ट दौर हो गया। पहली तो ये बात है कि कबूतर इस तरह जब भी कबूतर परवास करके आता है पक्की फिर दो में चार के बाद का जो भी कबूतर हो उस साल लोग जिसे पकड़ के इस तरह घुटनों पर आके दबा के माल छें कर रहे होते हैं, वो कबूतर के पार भी ख़राब हो जाते हैं, कबूतर खुद भी ख़राब हो जाता है। कई दफ़ा ऊपर से परवास करके मादियाँ कच्ची हुई जाती हैं, पकड़ते हैं दब वगैरह लग जाती है कबूतर का, इतनी चोंच खुल जाती है। इस वजह से वो आजकल बहुत सीन नहीं रहे, आजकल जदीद दौर आ गया, कबूतर उड़ के आया है। देखो जिसके कुंदे चार के बाद का जो कबूतर भी आए, कुंदे सूजे में हों या ना हो, लाजम सी बात है कि इतने 10 घंटे की परवाह देने के बाद कबूतर के और कुंदे वगैरह अंदर मसल तो डैमेज हुए होंगे थोड़े बहुत। तो ये आपने क्या करना है, कबूतर के मसल जो हुए हैं आगे मैं दिखा भी। हाँ जी दोस्तों, ये कबूतर आ गया, पहले तो आप इसकी आँख देख लें, टेडी कबूतर ओरिजिनल है, ये आप देख लें इसके पार। अच्छा तो असल आप दोस्तों को कबूतर, मैं इस कबूतर का थोड़ा बहुत शौक भी करवा रहा हूँ। ये आप सिलाइयाँ देख लें, कितना शानदार कुंदे का कबूतर है, ये हमने रोका हुआ है ब्रीड के लिए। तो पहले तो मैं एक और आप दोस्तों को बात बताऊँ जी, किस तरह कबूतर को जी पहले को कुछ लोग करते, जिस तरह जी कबूतर आया ये जी रखा इस तरह जी ये वो ये जी ये अब इस तरह जी कबूतर का क्या रह गया, इस तरह या तो फिर एक और मैं आपको मालिश बता दे। तो पहले हम भी इसी तरह ही करते थे, या इस तरह कबूतर के सारे पार ही उतर जाते, वो अब कोई ज़रूरत ही नहीं रही है ये कुछ करने की, या उसके फिर टांगे खींचने पे होते हैं। कबूतर बेचारा इतना शाम तक उड़ के आता है, तो उसके साथ इतनी खींच चल करो तो फिर दूसरे दिन कहाँ उड़ेगा। ये इस तरह या तो फिर आप कर रहे होते हैं कई लोग, ये है, हम खुद भी कर रहे होते हैं। मेरे पार्टी के भी कुछ साथ बैठने वाले उस्ताद है, वो भी यही कुछ करते हैं। इसलिए भाई मैंने तो कल सीधी साफ बात ऐसी बात मैंने मना कर दी है। ये देखें आप दोस्तों को मैं बताता हूँ, सीधी साफ बात है, इस तरह कबूतर आया, कबूतर को आते साथ ये कुंदों के नीचे बस मारा, ये टांगों पे इधर मारा अंदर की तरफ बस छोड़ दिया। ये वैसे को परवाह है वगैरह करके नहीं आया, कबूतर को जो ग्राह का ब्रीड है कबूतर की कहीं किसी क्रेट वगैरह में कोई टांग वगैरह फंस गई, किसी और वजह से कुछ भी हो गया, या तो एक और मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, जो पुराने ब्रीडर कबूतर नहीं होते उनके घुटने वगैरह सूझ जाते हैं, घुटने वगैरह से उठ जाते हैं कबूतर आसाद घुटने हो गए, इस तरह पार उसके खुल जाते हैं। इस तरह मतलब आज जैसे कह रहे हैं कि हमारे पिंडी की जबान में एक तरह कहते हैं, वो कबूतर एक पीढ़ी सी बन जाता है जी, इस तरह जी कहते हैं पीढ़ी सी बन जाता है, उसके पार भी खुले हुए, टांगे भी खुली हुई, बड़ी ओर से बेचारा चल रहा होता है, उम्र के इतने नहीं होते वो कबूतर। वो असल में उनका यही कुछ होता है, किसी क्रेट में कोई टांग आई वो उधर से फिर सूजन बैठ के ब्रीड कबूतर कौन से बार को, ये आप अपने जाले में रख लें मुँह, जो जिस भी कबूतर को कोई भी मसला हो हल्का सा फिर मार दे। आप दोस्तों को मैं बता दूँ इसके ऊपर यह लिखा हुआ भी है, ये आप देख लें मसल्स पेन, ये मसल वगैरह की पेन, हड्डियों का पेन, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए, ये आप अपने तो मतलब के जो आपका एक तरह से फर्स्ट एड कबूतरों का फर्स्ट एड बॉक्स है आप उसमें रख दें। मैंने तो फर्स्ट एड बॉक्स बना लिया, किसी दिन टाइम निकाल के आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा क्या क्या फर्स्ट एड बॉक्स में रखना पड़ता है, क्या क्या नहीं। और ये कबूतर भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया, ओरिजिनल एक ब्रीडर टेडी कबूतर देख लें। अगर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।